अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे, अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज के ये रैंडम सा व्लॉग है, तो मैंने सोचा आपसे अपनी मैं रूटीन शेयर करती हूँ। बेसिकली मैं अभी आपसे अपनी इवनिंग रूटीन जो है वो शेयर कर रही हूँ। ये जो है शाम में मेरा मूड हो गया था डिनर से पहले कि मैं फ्रेंच टोस्ट बनाऊँ, ठीक है। तो फ्रेंच टोस्ट मैंने बनाए हैं और ये सारे मैंने अपने लिए नहीं बनाए, मैंने अपनी अम्मी के साथ इनको शेयर किया था और अम्मी के लिए कम चीनी वाले बनाए थे और अपने लिए नॉर्मल, ठीक है। और ये मैं यहाँ पे फ्रेंच टोस्ट खा रही थी तो मैंने सोचा साथ साथ आपसे थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। सर्दियाँ हैं तो सर्दियों की रूटीन जो है वो मैंने आपसे अपनी शेयर करनी है। नाइट केयर रूटीन भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। कुछ मुझे रिक्वेस्टेड वीडियोज़ आई थी, ये देखिए कितने सॉफ्ट से हैं ना, ये मैं दिखा रही थी बेसिकली वीडियो में। तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का कुछ शेयर करना है कि वो मैं आपसे जो मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी उसको बता दिया है, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है उसके मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि कैसा है और कैसे पढ़ाई कर सकते हैं आप, और बड़ा आसानी सब घर बैठे ना कोई भी, अगर आपने कोई कोर्सेज करने हैं, कोई डिग्री लेनी है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो जो है ये साथ साथ मैं खा रही थी और साथ साथ टीवी देख रही थी। टीवी पे कोई ड्रामा चल रहा था, आई थिंक सो, मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन कोई क्लिप जो है वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया आप लोगों के लिए। तो नाइट की रूटीन में मैंने आपसे ये शेयर करना था कि जो मेन अच्छी क्रीम्स हैं वो ये वो ड्रामा था जी, वो जो प्ले हुआ हुआ था मेरे साथ वो आ गया है। और इसके बाद मैं सोच रही थी कि मैंने क्या ड्रेसिंग करनी है, मैंने सुबह कौन सा ड्रेस जो है वो पहनना है। तो उस बारे में मैं अपनी वार्डरोब में ढूंढना शुरू होगी कि अच्छा जी मैं क्या पहनूं। जो जी मैं देख रही हूँ, एक तो कपड़ों को देख रही हूँ कि कल कौन से पहने चाहिए, दूसरा ये मैं देख रही हूँ कि कुछ मैंने इसके अंदर जो है ना मेरा विंटर का स्टफ़ पड़ा हुआ है, ठीक है, और कुछ जो है वो मेरा स्टफ़ अभी वो पड़ा हुआ है जो मुझे इसको भी रखना है सूटकेसेस में, बिकॉज ये सारा जो है ये रेशमी है तो इनको मुझे अभी रखना है। मैं इनमें से सॉर्ट करना है कि किस किस टेक्सचर के कपड़े जो हैं वो मुझे चाहिए, और जैसे लाइक ये कोट्स हैं तो ये तो ऑब्वियसली मुझे चाहिए होंगे, ठीक है, विंटर के लिए। तो बाकी जो चीज़ें मुझे अभी जो हैं कुछ रखनी है बॉक्सेस में सूटकेसेस में, जैसे ये रेशमी है तो इनको मुझे रखना पड़ेगा। सिल्क भी आई थिंक नहीं पहनी जाएगी तो वो मुझे रखनी पड़ेगी, ठीक है। और कुछ ही केप शॉल्स जो पीछे पड़ी हुई हैं जो कि मुझे बिल्कुल पहनने का फिर मौका नहीं मिल रहा होता, मुझे मिल ही नहीं रहा होता एट द टाइम कि अच्छा मैं कल क्या पहनूं, तो फिर ये जो है इसको फिर मैं इसको आगे रख लूँगी। तो ये चीज़ें हैं जी जो मैंने सॉर्ट करनी है कुछ, और ये मैंने सेलेक्ट किया है कि ये मुझे कल पहनना चाहिए। खदर की है ये शर्ट, बेसिकली फ्रॉक है और फ्रंट से शॉर्ट है, ठीक है, और बैक से ये सारी इसकी लेंथ एक्स्ट्रा है। ये लेंथ जो आपको नज़र आ रही होगी ना, तो यहाँ तक ये जो है ना इसका फ्रंट है और ये सारी इसकी बैक है, तो ये वो वाला स्टाइल है। और ये जो है ये इसके बड़े अच्छे से बटन्स लगे हुए हैं इसके ऊपर, मुझे बहुत पसंद है, फ्रॉक स्टाइल है। और स्लीव्स जो हैं वो बिल्कुल प्लेन ही हैं, सिंपल ही हैं, लेकिन अच्छे खद्दर का स्टफ़ है। आई थिंक ये शापोश का ही था, यू नो आई एम टू मच फैन ऑफ शापोश क्लोथिंग। और ये है जी इसकी लुक, और इसके साथ जो है बेसिकली मैंने ये फ्रॉक लिया था तो इसके साथ वाइट ट्राउज़र या जीन्स जो है वो पहनी जा सकती है। तो मैं अभी इसको प्रेस करने लगी हूँ, और ये लाइट का डेफिनेटली थोड़ा सा इशू आएगा बिकॉज एक तो मैं रात में व्लॉग शूट कर रही हूँ, सेकेंड जो है बस लाइट का थोड़ा सा इशू है, सेलफोन की थोड़ी सी सेटिंग्स करने वाली हैं। तो ये जी सारी शॉल्स की कलेक्शन है मेरी, और एक दिन आपसे ये भी शेयर करूँगी। बेसिकली शेड शॉल्स हैं, मैं और मेरी बहन जो है मिलके यूज़ कर रहे होते हैं, सम टाइम्स ऑब्वियसली अम्मा भी यूज़ कर रही होती हैं। और ये कुछ इनको अगेन सॉर्ट करने की ज़रूरत है, मेरा नया ड्रेस है जो कि सिल के आया है और इसको मैंने अभी पहनना है। तो ये इनके अंदर सब मैं देख रही हूँ कि मैं कौन सा स्ट्रॉलर जो है उस ड्रेस के साथ पहनूँ सुबह, तो आई विल गो फॉर दिस आई थिंक। ये जो है ब्लू में ही है और वो ब्लू चूँकि फ्रॉक है तो आई एम पिकिंग दिस, ठीक है, ये इसके ऊपर मैं पहन लूँगी, उस फ्रॉक के ऊपर अभी रख के देख लेते हैं। और उसके साथ फिर मैं यही सोच रही हूँ कि मैं वाइट ट्राउज़र पहन लूँ, सो आई एम गोइंग फॉर वाइट। तो ये जो है मैंने स्ट्रॉलर डिसाइड कर लिया, वाइट ट्राउज़र जो है आई थिंक सो कहीं मैंने इन्हीं ड्रेसेस के साथ रखा हुआ था, ये स्वेटर भी इसके ऊपर जा सकता है वैसे, ये वाइट स्वेटर जो है ना ये उसके साथ अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। और आई थिंक यहाँ पे मेरा वाइट ट्राउज़र है वो मैं उतार लूँ, और केप शॉल जो है मेरे ख्याल में ये जाएगी उस ड्रेस के साथ। तो ये मैं सोच रही हूँ कि ये फुल है लॉन्ग है तो इसको पहन लूँ, या फिर देखती हूँ कुछ
जैकेट भी जा सकती है, ब्लैक जैकेट है। तो चलें जी, कुछ तो करते हैं। और ये सारा मेरा वो स्टफ़ है जो मैं पहन चुकी हूँ, तो अब मैं इनको रखने लगी हूँ जी वार्डरोब में, और इनको मैं रख दूँगी यहाँ, और अरेंज करने का काम मेरी बहन कर लेगी। नहीं तो ऑलमोस्ट अरेंज्ड ही है। तो ये शॉल यहाँ आ गई है, और इसके साथ ये स्ट्रॉलर पड़ा हुआ है, और इसके साथ जो पड़ी हुई है ये ब्लैक स्वेटर है, तो इसको मुझे हैंग करना है, बट मैं कपड़े प्रेस करने के बाद इसको हैंग करती हूँ। और ये मुझे शॉल नज़र आई है, ये भी अच्छी शॉल है मुझे लग रही है। तो इसको मैं सोच रही हूँ कि स्ट्रॉलर तो जो है ना वैसे पहनने के लिए होगा, तो शॉल जो है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है तो शॉल भी एक यूज़ करनी चाहिए, तो उस ड्रेस के साथ ये मैं शॉल पहन लूँगी कल। सो ये जो है एग्जैक्ट मैचिंग तो ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन ठीक है, इट विल गो। और ये वाइट ट्राउज़र मैं इसके साथ पहन रही हूँ, और ये शॉल जो है वैसे पहनने के लिए। तो अब जीन सबको मैं प्रेस करने लगी हूँ। और ये जी मैंने सोचा है कि ये वाला स्वेटर जो है ये मैं पहन लेती हूँ इसके साथ, ठीक है, वाइट है तो साथ मैच हो जाएगा। और ये मैंने अभी ट्राउज़र प्रेस किया है, मैं साथ साथ इनको प्रेस कर रही हूँ। और अब ये जी इसकी फाइनल लुक, अब प्रेस होकर थोड़ी सी इसकी शक्ल निकल आई है, और ये जो आपको इसका नज़र आ रहा होगा स्टाइल, ठीक है। तो ये जी ड्रेस, चलें जी अब नेक्स्ट काम करते हैं। और ये जी अब मैं शॉल को प्रेस कर रही हूँ। और अब जी मैं क्या करने लगी हूँ, अब मैं थोड़ा सा अपना यूनिवर्सिटी का काम करने लगी हूँ, अपनी पढ़ाई का काम करने लगी हूँ। और ये मैं आपसे लाजमी शेयर करूँगी इंशाल्लाह एक दिन के जो है यूनिवर्सिटी जो मैं है मेरे पास अभी जिस यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ रही हूँ लाइक वो, और उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, और उस पर ऑनलाइन कैसे आप पढ़ सकते हैं, एंड दैट्स गुड फॉर मैनी डिग्रीज़। तो वो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, होप सो कमिंग वीडियो में। तो अभी जो है मैं अपना सेकेंड सेमेस्टर का डेटा ओपन कर रही हूँ, एंड आई हैव टू सबमिट एन असाइनमेंट जो कि यहाँ पे पड़ी हुई डेस्कटॉप पे, तो इसलिए मैं असाइनमेंट पे थोड़ा सा काम करने लगी हूँ। तो चलें जी मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जी फातिमा, इसको क्या करना है, स्टिकर को ठीक करना है, ठीक करना है। ये तो ठीक ही नहीं हो रहा, ठीक ही नहीं हो रहा। चलो इसको लगाओ, लगाओ 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 इसको, थोड़ा सा ठीक हुआ है ना, इसको भी इधर से करें। हो रहा है सही, ऐसे ही लगा दो इसको। हाँ अब ऑलमोस्ट हो गया। चलो जी इसको लगा दो, लेकिन अब इसका वो ख़त्म हो गया ना, अब ये नहीं चिपकेगा, मुश्किल है अब इसका। एक दफ़ा अगर आपने लगा दिया तो फिर उसको उतारा ना करो ना, ठीक है, ये खुद उतर जाता है, खुद उतर जाता है। अच्छा मैं मुझे ढूंढ ले, ओके पेज, ओहो इसके ऊपर से उतारा है, अब देखो ये ख़राब हो गया ना पेज आपका। कलर करना है जी। मैं क्या कर रही हूँ, मैं अभी जो है अभी मैं थोड़ा फ्री हुई हूँ, तो मैंने सोचा कि दाल बनी हुई है तो सब मैं सैलेड बना देती हूँ दाल के साथ। आपको पता है रात का टाइम है, अभी भी ब्लॉग जो है मैंने नेक्स्ट डे, अब ये नाइट है, उससे स्टार्ट किया है। और आपको जो ये ब्लॉग मिलेगा इसके अंदर दो बेसिकली ब्लॉग्स ना, दो दिन के ऐड हुए होंगे। तो मैं क्या बना रही थी, सैलेड बना रही थी सिर्फ प्याज टमाटर का, बिकॉज दाल है तो उसके साथ यही अच्छा लगता है, और प्लस रात में जो है खीरा और इनको गाजर को हम अवॉइड करते हैं। तो अभी प्याज को जो है वो मैं नमक लगा के रख दिया है, ये जी इनको मैं नमक लगा के थोड़ी देर के लिए बस रखा है, बहुत ज़्यादा नमक एब्जॉर्ब भी ना कर ले, बस अभी इनको मैं वॉश करने लगी हूँ। और ये दाल बनी हुई है, तो ऐसा नहीं कि दाल बनी हुई है तो इसलिए मैं आलू बॉईल कर रही हूँ और मैं कुछ बनाने लगी हूँ। वैसे ही मेरा मूड हो रहा था कि मैं आलू के सैंडविच बनाऊँ या फिर आलू के पराठे बनाऊँ नाश्ते में, नाश्ते के लिए, तो उसके लिए मैं आलू बॉईल कर रही हूँ। अब ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं नाश्ते में आलू के पराठे बना लूँ या फिर मैं अभी रात में या कल आलू के सैंडविच लंच में लेके जाऊँ साथ। तो दाल बनी हुई है जी बड़ी मज़े की, ये आप देखें इतनी मज़े की दाल बनी हुई है, और ये मेरी फेवरेट दाल है, ये जो ब्लैक दाल होती है मेरी फेवरेट है, ठीक है। और उसके साथ मुझे बहुत ज़्यादा जो चीज़ पसंद है वो ये कि बॉयल्ड राइस हो और उसके साथ सैलेड हो बहुत सारी, और दही हो या रायता हो जीरे वाला।
तो लेकिन ये कि इस दफ़ा मैंने दाल ऐसे ही खाने का मेरा मूड है, मैंने चावल बॉयल नहीं किए, बेसिकली मेरे पास टाइम भी नहीं था तो इसलिए मैंने चावल नहीं बॉयल किए। और मैं अभी फ्री हुई हूँ, मैं अपनी एक असाइनमेंट सेंड कर रही थी और एक GDP था वो मुझे करना था काम अपना, और वो इंशाल्लाह उससे रिलेटेड मैं आपसे वीडियो एक शेयर करूँगी जिसमें मैं आपको अपना पूरा यूनिवर्सिटी का आइडिया दूँगी। और आसान एक मेथड है पढ़ाई का, आसान तो नहीं लेकिन मतलब आप इस तरह कह सकते हैं कि ऑनलाइन जो है ना, ऐसे लोग जो जॉबियंस हैं या जॉब करें या कोई भी साथ काम करें तो अगर उनकी पढ़ाई करनी है तो वो उसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ, आप इसे बहुत कुछ समझ आ गई होगी, तो जो है उससे रिलेटेड मैं इंशाल्लाह वीडियो शेयर करूँगी। तो जी यहाँ पे आलू बॉयल हो रहे हैं, सैलेड मैं रेडी कर रही हूँ और अब मैंने रोटी बनानी है, उसके बाद बस जी मेरा अपना कोई अगर काम होगा तो वो मुझे करना होगा। नमाज अभी अजान नहीं हुई शब की, तो नमाज मैंने अभी तक नहीं पढ़ी। और जी सैलेड जो है ये रेडी हो चुका है और बस इतना सा बनाया जितना बस एक टाइम में यूज़ हो जाए। और इंशाल्लाह आलू की जो भी रेसिपी होगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी आपसे। तो चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।